हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस पर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ADA यानी कि एयरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज कितनी हैं, पोस्ट कौन से हैं, क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, हम जानते हैं पोस्ट के बारे में डिटेल वाइज। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो है 14 वैकेंसीज दोस्तों इस पोस्ट में अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें टोटल इंक्लूडिंग 11 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट पोस्ट और एक वैकेंसीज वो भी दिल्ली में है और 3 वैकेंसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए है, ठीक है। दोस्तों आइए इनके बारे में डिटेल वाइज बात करते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी 2023, यानी कि 17 जनवरी 2023 इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आइए दोस्तों के बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, 14 वैकेंसीज के साथ इस पोस्ट में लेकर आई है आपके पास ADA रिक्रूटमेंट, ठीक है। 11 वैकेंसी जिसमें से असिस्टेंट पोस्ट की है, एक जो कि दिल्ली में है और 3 वैकेंसी स्टेनोग्राफर्स की हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो कैंडिडेट्स की एज 30 से बिलो होनी चाहिए, यानी कि 30 साल से कम की उम्र के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, देखिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री इन आर्ट कॉमर्स साइंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ये बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन किसी भी रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है। पोजेस्ट विद स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग करस्पेंडिंग टू 9000 KDPH ऑन कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। फॉर पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर के लिए कैंडिडेट शुड होल्ड एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन आर्ट कॉमर्स साइंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेम जो पोस्ट जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है असिस्टेंट के लिए वो क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखिए डिजायरेबल फॉर बोथ पोस्ट क्या होगा, देखिए अ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर स्किल्स लाइक MS Word, Excel, PowerPoint, ईमेल, इंटरनेट एक्सेट्रा फॉर रूटीन वर्क रूटीन ऑफिस वर्क, ठीक है। आपके इनमें सर्टिफाइड होने चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं हमारे इस आर्टिकल में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है वो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस फाइल्स एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड जॉब्स, ठीक है ये पोस्ट क्वालिफिकेशंस हैं। परचेज एंड स्टोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और अकाउंट्स फाइनेंस प्रिपरेशन एंड पासिंग बिल्स फॉर पेमेंट्स, ठीक है दोस्तों ये इनके क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। स्टेनोग्राफर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरी इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप कैंडिडेट सेक्रेटरी भी हो सकते हैं किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, तो सैलरी जो आपका मिनिमम पे होगी वो होगी 25,500 से लेकर मैक्सिमम होगी 81,100 तक की, जो कि लेवल 4 की पेमेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका दो के स्टेज में होगा। देखिए रिटन टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव या डायरेक्टिव टेस्ट, ठीक है, और स्किल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए चयन किए जाएंगे। देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, आपको इनके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एड्रेस भी हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स विद सिग्नेचर आपको इनके पास भेजने होंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता दूँ, देखिए इधर डेट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है 21/12/2022 तक, क्लोजिंग डेट है 17/1/2023। आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से इसके बारे में डिटेल वाइज भी पढ़ सकते हैं और आप हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपीज क्या होगी, देखिए 31 जनवरी 2023 लास्ट डेट है इस पोस्ट को हार्ड कॉपी के लिए रिसीविंग के। आइए दोस्तों एक नए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है टोटल 6 पेज का, ये नोटिफिकेशन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको अभी प्रोवाइड करी अपने उस आर्टिकल में, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही रिक्रूटमेंट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमें फॉलो कर सकते हैं गूगल न्यूज़ पे, ठीक है दोस्तों। और आप साथ ही साथ दोस्तों आप हमारा सर्टिफाइड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सैप से रिलेटेड सर्टिफाइड कोर्स कराए जाएंगे, टेली से रिलेटेड बेसिक अभी एडवांस कोर्स स्टार्ट होने वाला है, देखिए 3rd February से स्टार्ट होने वाला है ये, और GST का रिलेटेड कोर्स CA प्रतिभा गोयल मैम की साइट से January 17 को स्टार्ट होगा 6 बजे से, ठीक है दोस्तों। आप ये कोर्स देख सकते हैं और यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू,
ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।